आज सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। बीजी न्यूज विशाल गाजीपुरी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं। मैं करुणाकर जी और हम वाराणसी जिले के गांव में मझवा और पोस्ट सैमलपुर के गांव में जो है हमारे मुख्य अतिथि जो है विशाल गाजीपुरी के माध्यम से जो है कि गांव-गांव में भीम चर्चा जो हो रहा है। तो आज जो है मझवा गांव और पोस्ट सैमलपुर जिला वाराणसी में बुद्ध भीम चर्चा का जो है कार्यक्रम रखा गया कि बुद्ध भीम चर्चा का कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि जो बाबा साहब का जो सपना है जो इस भारत देश को बौद्ध शासक राष्ट्र बनाना और समता मूलक जाति विहीन समाज बनाना, बाबा साहब का यह सपना था कि हमारा एक ऐसा समाज हो जिनमें कोई जाति ना हो, जिनमें सभी मनुष्य एक समाज हो, सभी मनुष्य को हक मिले, अधिकार मिले, मान सम्मान मिले, जीने का राइट हो, एक ऐसा समाज जो समता मूलक जाति विहीन समाज जो है। तो उस समाज का नाम है बोधि समाज। और बोधि समाज का मतलब यह होता है बौद्धों का समाज। बोधि का मतलब यह होता है जिसे ज्ञान प्राप्त होता है उसे बोधि कहते हैं। तो आए विशाल गाजीपुरी का जो यह जो है जो गाजीपुर से चलकर जो है यहाँ से मझवा गांव में जो बुद्ध भीम चर्चा जो किया गया, तो हम यहाँ के मूल निवासियों से पूछना चाहते हैं कि बुद्ध भीम चर्चा से आप लोगों को क्या सीख मिली, क्या बुद्ध भीम चर्चा यहाँ पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और बोधिसत्व बाबा साहब के विचारों पे हमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तीसरण पंचशील का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज हम हमारे सर हैं उनके मुंह से सुनते हैं। सर आप बताएं कि इस गांव में भीम चर्चा कैसा लगा और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और पूरे गाँव में ये उद्देश्य को फैलाना चाहिए कि नहीं फैलाना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे यहाँ पे मझवा ग्राम में आए। बाबा साहब के बारे में आप लोग यहाँ पे उनका चर्चा किए, भीम चर्चा किए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी प्रकट करता हूँ। और इससे हमारे गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हुए और ज़्यादा मतलब उन लोगों का हिम्मत बढ़ा कि बाबा साहब की विचारधाराओं में हम लोग को चलना है। और बस तो क्या बुद्ध भीम चर्चा पूरे भारत के हर एक कोने कोने में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोर शोर से होनी चाहिए। तो बुद्ध भूम चर्चा के माध्यम से हम लोगों को एक अच्छी सीख मिली, और आए जो है आपके बीच में जो है माता जी हैं उनसे पूछते हैं कि बुद्ध भीम चर्चा का जो कार्यक्रम आपके बीच में रखा गया, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच के जो गायक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों को छोड़ करके जो है अपने देश को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए आज घर घर गांव गांव जाके बुद्ध भीम चर्चा का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो समता मूलक जाति विहीन समाज का निर्माण करने के लिए कि एक ऐसा समाज हो जिनमें कोई जाति ही ना हो। तो बुद्ध भीम चर्चा के माध्यम से क्या सीख मिली, और माता जी से पूछते हैं, माता जी क्या बुद्ध भीम चर्चा आपको कैसा लगा, क्या यह बुद्ध भीम चर्चा पूरे देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको क्या सीख मिला, क्या बाबा साहब को विचार में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हमारी तरफ से वो पूरी कोशिश है कि गांव में चर्चा होनी चाहिए। बहुत तो अभी माता जी के मुंह से सुने आप लोगों कि बुद्ध भीम चर्चा हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, और बुद्ध भीम चर्चा इनके तरफ से कोशिश है कि पूरे भारत के कोने कोने में जो है बुद्ध भीम चर्चा विशाल गाजीपुरी के गीतों के माध्यम से होना चाहिए, और जो है समता मूलक जाति विहीन समाज का निर्माण होना चाहिए, जो एक ऐसा समाज हो जिनमें सभी मनुष्य एक समान हो, जाति का नाम ही निशान ना रहे। तो बौद्धों का समाज जो है बोधि समाज है। आए कुछ हमारे साथी हैं उन लोगों से पूछते हैं कि आपको कैसा लगा बुद्ध भीम चर्चा, आप आ जाइए इधर। तो आपको कैसा लगा बुद्ध भीम चर्चा, बस अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो क्या बुद्ध भीम चर्चा यहाँ पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो यहाँ के जो है हमारे चाचा जी कहे कि बुद्ध भीम चर्चा यहाँ पे होनी चाहिए, और जो हमारी माता जी ने कहा कि पूरे भारत के हर कोने कोने में बुद्ध भीम चर्चा होनी चाहिए, और हमारा एक ऐसा समाज हो जो समता मूलक जाति विहीन समाज हो, जिनमें सभी मनुष्य एक समान हो, सभी को हक मिले, अधिकार मिले और सम्मान मिले। तो छोटे बच्चे से हम थोड़ा पूछ लेंगे, क्या आपको कैसा लगा बुद्ध भीम चर्चा, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आइए हम जो है विशाल गाजीपुरी के मुख से हम दो शब्द सुनना चाहेंगे, तो उनका क्या उद्देश्य है?
साधुवाद आपको करुणांकर जी और हमारे वीजी न्यूज विशाल गाजीपुरी यूट्यूब चैनल से आज का कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि ईंट से ईंट बजा देंगे। वाह वाह सर, दिल की बात है। ईंट से ईंट बजा देंगे और भीम मिशन के लिए खून का एक कतरा बहा देंगे। जब हम ईंट से ईंट बजा देंगे और भीम मिशन के लिए खून का एक कतरा बहा देंगे, अगर आप लोग का साथ रहा है मेरे बहुजन साथियों, तो भारत में ही क्या पाकिस्तान में भीम चर्चा करा देंगे। आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। बीजी न्यूज विशाल गाजीपुरी के चैनल के माध्यम से आप यूट्यूब पे हमें और जो है मझौल गांव के लोगों को आप सीधा देख रहे हैं, और जो है कि आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपना विचार जरूर दें कि समतामूलक जाति विहीन समाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और बुद्ध भीम चर्चा जो है गांव गांव में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। बीजी न्यूज विशाल गाजीपुरी, मैं करुणांकर जी।